हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी विथ चिकन कबाब। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे हम दो आलू को पीस कर लिया जो चिकन बिरयानी के लिए है, और तीन प्याज लिया है। तो इसलिए क्योंकि तीन प्याज हम यूज़ करेंगे चिकन बिरयानी को, और साथ में आप देखिए हमारा यहाँ पे चिकन है। चिकन मैंने 750 ग्राम्स लेके आया चिकन, सो उसमें से मैं 250 ग्राम्स कबाब में यूज़ करूँगा, 500 ग्राम्स जो है बिरयानी में यूज़ करूँगा। सो प्लीज़ आप देखते रहिए और आगे जुड़े रहिए क्या क्या रेसिपी मैं डालता हूँ। तो आप देखते रहिए, यहाँ पे देखिए जो बिरयानी के लिए मैंने ये जिंजर और गार्लिक जो मैंने काट के रखा, अभी उसको पेस्ट करूँगा। सो प्लीज़ आप आगे जुड़े रहिए और क्या क्या मैंने मटेरियल्स उसको यूज़ करता हूँ, सो आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। सर प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस। देखिए मैंने कढ़ाई बैठा दिया है अभी, क्योंकि अभी मुझे आलू फ्राई करना है। सो पहले आलू फ्राई कर लेता हूँ। सो आलू अगर फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि पहले आप अगर डाल दोगे तो बिरयानी राइस के साथ आलू और सब, सो ये मिक्स होकर पूरा खिचड़ी बन जाएगा। सो इसलिए मैंने पहले आलू फ्राई कर दूंगा, उसके बाद जो चिकन का जो बिरयानी का जो चिकन डालूंगा उसको मैंने फ्राई करूंगा मसाला से, क्योंकि अलग से डालूंगा तो उसका फ्लेवर भी उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मैं आप देख पा रहे हो मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अभी उसमें मैं पोटैटो डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये पोटैटो डाल दिया, क्योंकि मेरा घर में लोग नहीं है तो मैं अकेला ही सर्व करने वाला हूँ ये सब, और अकेला ही खाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने दो ही पोटैटो डाला है उसमें हाफ हाफ करके। तो अभी उसमें हल्दी डालूंगा और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको अच्छे तरह से मैश कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने हल्दी पाउडर और मैंने नमक डाल दिया उसमें। सो अभी मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और अच्छे तरह से फ्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो मैं अच्छी तरह से उसको मैश कर लिया मैंने, और अभी मैं उसको ठीक से फ्राई कर लेता हूँ। फ्राई करने के बाद मैं उसको उतार दूँगा। अभी फ्राई हो रहा है फिलहाल, आप जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, और आप हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। और आप हम जैसे बना रहे बिरयानी तो सब ज़रूर आपके घर में ट्राई कीजिए, आपको फैमिली मेम्बर को बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसे बिरयानी, क्योंकि हम घरेलू हिसाब से ये बिरयानी बना रहे, रेस्टोरेंट जैसा नहीं है। तो हमारे बिरयानी एक बार आप टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा घर में, आपको अगर बढ़िया नहीं लगेगा तो हमें कमेंट करके बताइए। हम जो बिरयानी बनाए, हम देखिए ये बिरयानी हम बनाए लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप ये बिरयानी एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, और आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हमारा चैनल भी आप मत देखना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने बिरयानी के लिए चिकन सेपरेट कर लिया, ये सिर्फ बिरयानी के लिए मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सो अभी उसको मैं मसाला देके उसको मिक्स करके उसको भी फ्राई करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा पोटैटो जो है फ्राई हो चुका है, मैं अभी उसको उतार दूँगा। फ्रेंड्स, मैंने ये पोटैटो जो है फ्राई हो गया मेरा। अभी देखिए ये जो है चिकन है उसमें मैंने मिक्स किया हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में सॉल्ट और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो उसको मैं ठीक तरह से मैश करूँगा, उसको फ्राई करूँगा, तो आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये अभी मसाला से ठीक तरह से मैश करके उसको अभी कढ़ाई में डाल दिया, और ठीक तरह से फ्राई होने के बाद उसको उतार देंगे। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो बिरयानी का जो है चिकन वो अलग से नहीं होगा। अगर आप बिरयानी अगर विदाउट फ्राई करके अगर उसको डालेंगे तो क्या होता है, तो वो चिकन का पीस पीस होकर निकल जाता है, और उसका टेस्ट भी इतना नहीं आता, सॉल्ट भी उसका अंदर लगता नहीं है। और इसलिए मैंने ये फ्राई करके डालता हूँ, क्योंकि उसके डालने से आपका फ्लेवर भी अच्छे तरह से आता है, उसका टेस्ट भी अलग आता है, और चिकन भी
फट नहीं जाता है और सेपरेट नहीं होता है, इसी वजह से मैंने ये फ्राई करके डालूंगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग बिरयानी जो बनाते हैं घर में वो ऐसे फ्राई नहीं करते, ऐसे ही डाल देते बिरयानी राइस के साथ मसाला वगैरह मिक्स करके ऐसे ही डाल देते, लेकिन मैं थोड़ा अलग से करता हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिए अपने घरों पर ऐसे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मैंने जो चिकन बिरयानी के लिए चिकन ऑलरेडी फ्राई कर लिया मैंने, अभी देखिए उसका कलर भी बढ़िया आ गया। और अगर विदाउट फ्राई अगर आप डालेंगे तो चिकन बिरयानी में, तो वो चिकन जो है सेपरेट हो जाता है, वो खाने में टेस्ट नहीं लगता है, उसका अंदर सॉल्ट भी अंदर घुसता नहीं है। सो इसलिए ऐसे आप बनाइए और अपना फैमिली को खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते रहिए। अभी मैंने देखिए कढ़ाई में फिर ऑयल दिया, क्योंकि अभी मैंने प्याज को फ्राई कर लूँगा, क्योंकि बिरयानी में फ्राई करके प्याज ऊपर से डालूँगा, क्योंकि एक के साथ अगर फ्राई और बिरयानी राइस डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। सो मैं उसको अभी फ्राई कर लेता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज काटा है, अब इसको मैं फ्राई करूँगा। जब तक वो ब्राउन नहीं होगा तब तक मैं ऐसे ही फ्राई करता रहूँगा। ब्राउन होने के बाद उसको मैं उतर के उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूँगा बिरयानी का। तो आगे देखते रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं ये चिकन का कबाब बनाऊँगा, तो चिकन में क्या क्या मैंने मसाला मिक्स करूँगा, तो आप देखते रहिए 1 by 1। और आप घरों में ट्राई कीजिए ऐसे ही कबाब, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो आप देखते रहिए हमारा कबाब में मैं क्या क्या मसाला मिक्स करता हूँ, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स देखिए ये है कबाब मसाला, कबाब मसाला डाला मैंने, साथ में थोड़ा चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि आप ज़्यादा डालेंगे तो मसाला का वो ज़्यादा सेंट आ जाएगा और उसका बढ़िया नहीं होगा। सो क्वांटिटी चिकन के हिसाब से आपको डालना है फ्रेंड्स। ये जो है सॉल्ट फ्रेंड्स, ये जो है बेसन डाल रहा हूँ। एक्चुअली बेसन डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डाले चलेगा। मैं एक्चुअली कॉर्नफ्लोर यूज़ करता हूँ, लेकिन कॉर्नफ्लोर अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए मैंने बेसन यूज़ कर लिया। सो 1.5 स्पून मैंने बेसन डाल दिया उसमें। ये थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, ये थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, ये मैंने थोड़ा सरसों का ऑयल डाल रहा हूँ, क्योंकि उसको मिक्स करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए बस इतना काफ़ी। अभी उसको ठीक तरह से मैं मैश कर लूँगा, सो आप देखते रहिए आगे। फ्रेंड्स मैंने हल्दी पाउडर देना भूल गया था, मैंने अभी हल्दी पाउडर दिया। देखिए फ्रेंड्स मैंने कबाब को ठीक तरह से मसाले से अभी मिक्स कर दिया, सो अभी मैंने उसको ढक्कन से ढक लूँगा, ढक के डाल दूँगा 1/2 hour, वो ठीक तरह से मैरिनेट तो होकर मसाला अंदर घुस पाए, उसके बाद मैं उसका कबाब को फ्राई करूँगा। तो आगे देखते रहिए फ्रेंड्स। देखिए मेरा ये ऑनियन जो है पूरा ब्राउन हो चुका है, मैं अभी उसको उतर के प्लेट में डाल दूँगा। फ्रेंड्स ये है बिरयानी बासमती राइस, सो अभी मैं उसको वॉश करूँगा और फिर जाके आगे का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगा बिरयानी बनाने का प्रोसेस। सो आप देखते रहिए फ्रेंड्स। ये देख पा रहे हो मैंने बिरयानी का राइस विथ वाटर मैंने बैठाया, अभी एक एक करके मैं हर चीज़ डालूँगा, आप देखते रहिए। ये जो मैंने पहले पोटैटो डाल रहा हूँ उसमें,
ये डाल रहा हूँ जिंजर पेस्ट, ये डाल रहा हूँ मैं गार्लिक पेस्ट, फ्रेंड्स ये डाल रहा हूँ तेजपत्ता बेली, ये डाल रहा हूँ मैं इलायची, ये इसमें है दालचीनी साथ स्टार फ्रूट ये, और ये 4 पीस ऑफ चिली, क्योंकि चिली डालने से वो स्मेल आता है बढ़िया सा, और अभी डालूंगा लास्ट एंड फाइनल में जो है आपका दिखाना है वो है मैंने जो अनियन जो फ्राई करके रखा था ये लास्ट में ऐसे अनियन डाल रहा हूँ अभी। ये अनियन मैंने डाल दिया, थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ। अभी जो है फाइनल जो चीज़ डालना है वो तो सबसे अनोखा चीज़ है, जो उसके बिना बिरयानी अधूरा रह जाएगा, वो है चिकन। देखिए उसमें अभी डालूंगा मैं बिरयानी मसाला, फ्रेंड्स ये है हल्दी पाउडर, ये जो है थोड़ा सा चिली पाउडर, ज़्यादा डालने से स्पाइसी हो जाता है, सो बच्चा प्रेफर नहीं करता है अगर आपके घर में बच्चा है तो। ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, सभी थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ। ये तो मसाला पूरा जाके वो राइस में नहीं लाएगा, अभी जो ये यूज करना है ये तो चीज को टेस्ट ही नहीं आएगा। एक है ये है जो है बिरयानी मसाला, मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है, ये जो है गरम मसाला, ये जो है सॉल्ट है, सो सॉल्ट मैं 2 स्पून डाल रहा हूँ, नहीं तो वो जाके उसका नहीं लगेगा पूरा, इसलिए मैंने सॉल्ट 2 चम्मच ही डाला। अभी ठीक ठाक से मैश करूँगा, और एक चीज़ देना है फ्रेंड्स वो है गुलाब जल, वो अभी दूँगा मैं, देखते रहिए। अभी जो है ये गुलाब जल डाल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है, तो अभी देखते रहिए, जब रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बढ़िया बिरयानी बनाए, सो आगे जुड़े रहिए। फ्रेंड्स मेरा कबाब जो है वो मैरिनेट हो चुका है, सो मैं अभी कबाब का फ्राई कर लूँगा। आप देख पा रहे हो उसका मैरिनेट पूरा हो चुका है, पूरा मसाला अंदर घुस चुका है उसका, और उसका स्मेल भी बहुत
बढ़िया से आ रहा है, और फ्राई होने के बाद और भी टेस्ट उसका ज़्यादा हो जाता है। सो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए कबाब अपने घरों पे, और अपना फैमिली को आप खिलाइए, ठीक है। तो जरूर रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस आगे। प्लीज़ हमारे वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, और आपका कमेंट हमें ज़रूर भेजिए हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, हमारा बिरयानी कैसे लगा और कबाब कैसे लगा। सो प्लीज़ आप देखते रहिए, जब रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाऊँगा उसका पूरा कैसे कलर आया, कैसे हुआ है सब कुछ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा फ्रेंड्स, आपका सब्सक्राइब हमारे चैनल को आगे लेके जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, हमारा चैनल आप देखते रहिए और दूसरे को दिखाइए, और प्लीज़ हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए दूसरे को और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स देखिए मेरा कबाब रेडी हो चुका है, आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए कबाब आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए आपके घरों में ऐसे ही कबाब। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें मेंशन किया है मैं आपको बता दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैंने कबाब में क्या क्या मसाला यूज़ किया है। सो आप उसको फॉलो कीजिए और आपके घर में बनाइए और आपको फैमिली को खिलाइए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, आपको लुक देखिए कैसा हुआ है उसका। अभी प्लीज़ बनाइए आपके घरों में साथ में कबाब, आपको बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। सो प्लीज़ ऐसे ही बनाइए और आपको फैमिली को आप खिलाइए और आप भी खाइए। सो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, ये चिकन बिरयानी विथ चिकन कबाब। सो प्लीज़ कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने का मौका मिलेगा, और दूसरे को देखने का मौका आप देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।